भाई अगर गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म कुरकुरे लच्छा पकोड़े मिल जाए जो कि बने हो आलू और प्याज से, तो आएगा ना चाय पीने का दुगना मजा। और भाई आलू और प्याज तो अक्सर हर किसी के घर में पड़े होते हैं, तो भला क्यों ना बनाएं। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो अभी लच्छा पकौड़ों के लिए हम यहाँ पर लेंगे 2 बड़े साइज के आलू। इन्हें छिलने के बाद अच्छे से धो लेंगे, फिर कद्दूकस करेंगे इसे मोटी साइड से ताकि अच्छे से मोटे मोटे लच्छे इसके कद्दूकस हों। फिर इन्हें हम धो लेंगे 2 से 3 बार अच्छे से पानी से ताकि इनका स्टार्च निकल जाए, भाई तभी तो कुरकुरे बनेंगे ना। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें अच्छे से छानने के बाद निचोड़ लिया है ताकि इनका पानी निकल जाए। और अब हम करेंगे आगे की तैयारी, यानी प्याज को हम कर रहे हैं कट। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्याज को भी मैं कर रही हूँ लंबाई में कट, वो इसलिए भाई क्योंकि हम बना रहे हैं लच्छा पकौड़े, तो लच्छे तभी तो बनेंगे ना। और रही क्वांटिटी की बात, तो मैंने लिए थे 2 बड़े साइज के आलू और 4 हैं ये मीडियम साइज के प्याज जिन्हें की लंबाई में कर लिया कट। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ यह भी बेसन जिसे कि घोल करके मैंने कर लिया तैयार, वो इसलिए ताकि आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख सकें बेसन की। मैंने लिया 1 कटोरी बेसन और साथ में पिसे मसाले कर लिए ऐड और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर का ताकि कुरकुरे अच्छे से बने हमारे पकौड़े। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये देखिए कंसिस्टेंसी सेम इसी तरीके की होनी चाहिए। आप चाहे तो इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा वरना फिर तो बेसन बेसन का टेस्ट आएगा। और अगर इससे ज़्यादा पतला करेंगे फिर तो जब हम पकोड़े बनाएंगे तो बेसन चारों तरफ छिटक जाएगा। तो बस जी अब इस सेमी गाढ़े घोल में हम प्याज और आलू को ऐड कर लेंगे और साथ में मैंने लिया है 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने कर लिया था कद्दूकस, तो इसे भी ऐड कर लेंगे। भाई बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है पकौड़ों में अदरक का भी। और ये है हींग। हींग जैसे कि हम बना रहे हैं यहाँ पर पकोड़े और डीप फ्राई करेंगे तो हींग का ऐड करना तो बहुत ज़रूरी है। हींग ना हो तो आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जी फर्स्ट क्लास, आपको हर करछे में यहाँ पर ढेर सारा प्याज और आलू नजर आ रहा है ना, इसी तरीके का होना चाहिए। इनफैक्ट अभी तो यहाँ पर बेसन ज़्यादा है तो आप चाहे तो यहाँ पर 1 आध आलू और डाल सकते हैं। और अब जैसे कि यहाँ पर तेल हो चुका है हल्का गर्म तो हम फ्लेम को रखेंगे लो, और लो फ्लेम में हम यहाँ पर उतने ही पकोड़े फ्राई करने के लिए रखेंगे कढ़ाई में जितने की आसानी से आ सके यानी कंफर्टेबली। तो देखिए जैसे कि घोल यहाँ पर सेमी गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं है, तभी मैंने कहा था अगर इससे ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर क्या होता है ना, जब हम इस टाइम पे पकोड़े उतारने के लिए रखते हैं यानी पकाने के लिए तो चारों तरफ वो छिटक जाते हैं, इसलिए बेसन का जो घोल है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। और पकोड़े ऐड करने के बाद अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई और अलट पलट करके इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए जी फर्स्ट क्लास, हमारे यहाँ पर कुरकुरे लच्छा पकोड़े हो गए हैं तैयार जिन्हें कि हमने बनाया आलू और प्याज से। देखा ना कितनी सिंपल रेसिपी है, ना तो अलग से हमें आलू के पकोड़े बनाने की जरूरत है और ना ही प्याज के, यानी कि दोनों को एक साथ हम बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से। तो बस जी सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लेम को रखेंगे लो, लो फ्लेम में सारे पकोड़ों को उतारेंगे और फिर जैसे सारे पकोड़े हमारे यहाँ पर कढ़ाई में आ जाएंगे तो फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई और अलट पलट करके इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर का हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। है ना एकदम सिंपल मज़ेदार रेसिपी। जब कभी भी आपका मन करे तो भी आलू प्याज तो हर किसी के घर में होते ही और बेसन भी, तो झटपट से ये वाले कुरकुरे लच्छादार पकौड़े बना करके कर लीजिएगा तैयार। और ये लीजिए जी कुरकुरे लच्छा पकौड़े हो गए हैं तैयार, और जब इन्हें आप खाएंगे गर्मा गर्म चाय के साथ तो चाय का मजा हो जाएगा ना दुगना। बाकी इसके अलावा अगर आपके घर में कभी छोटी मोटी पार्टी हो या अचानक गेस्ट आ जाएं तो तब भी आप ये वाले कुरकुरे लच्छा पकौड़े बना करके उनके आगे कर सकते हैं सर्व। बजाय ये सोचने के कि चाय के साथ उनके आगे क्या किया जाए सर्व, उससे पहले तो झटपट से ये वाले पकौड़े बना करके आप कर लेंगे तैयार, है ना। तो चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। Thanks for watching.